राज्य में 5 दिवस तापमान यथावत रहेवानी हवामान विभागे करी आगाही। 2 दिवस सुधी 1 डिग्री तापमान वधशे, त्यारबाद फरी तापमान 1 डिग्री घटाड़ो थशे। पश्चिम दिशा तरफ पवन आवता होवाथी भेजनुं प्रमाण वध्युं छे। 5 दिवस वरसादनी शक्यता नहीवत छे। महत्तम तापमान में वधारो न थता तापमान 41 डिग्री आसपास रहेल छे। हाल कोई वरसादनी सिस्टम सक्रिय नथी। हाल में दक्षिण दिशाथी वादळ आवी रह्या छे, जेनाथी एकाद जग्याए छूटो छवायो क्यांक वरसाद पड़वानी शक्यता छे। बागेश्वर धामना धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अमदावाद कार्यक्रम ने लेने थोड़ो फेरफार थयो छे। हवे 2 दिवस बदले अमदावाद में एक ज धीरेन्द्र शास्त्री महाराज दिव्य दरबार योजाशे। 29 मे अने 30 मे एम 2 दिवस धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अमदावाद में रोकाशे। आ 2 दिवस दरमियान भक्तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज दर्शन करी शकशे। जो कि दिव्य दरबार कार्यक्रम हवे 2 दिवस बदले एक ज दिवस करवानुं नक्की करवामां आव्युं छे। 29 मे ना रोज अमदावाद शक्ति मैदान में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज दिव्य दरबार योजाशे, ज्यारे 30 मे ना रोज शक्ति मैदान में बाबा प्रवचन और आशीर्वाद कार्यक्रम गोठवामां आव्यो छे। नर्मदा केवड़िया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते आज 3 दिवस चिंतन शिविर आयोजन थयुं छे। सीएम भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में तमाम प्रधानों आईएफएस अधिकारी जिला कलेक्टरो डीडीओ शामिल थई रहा छे। 3 दिवस आ शिविर में विविध मुद्दाओं पर तबक्कावार रीते विचार मंथन करवामां आवशे। चिंतन शिविर में सामिल थवा माटे तमाम मंत्रीओ आज सवारे गांधीनगर मंत्री निवास स्थाने थी बस में केवड़िया जवा माटे रवाना थया हता। गुजरात सरकारे वक्तरणी भर्ती माटेना नवा नियमो जाहिर कर्या छे। क्लार्क सीनियर क्लार्क जुनियर क्लार्क ऑफिस आसिस्टंटनी भर्ती माटे नवा नियमो लागू कराया छे। गुजरात सरकारे वक्तरणी भर्ती माटे नवा नियमो जाहिर कर्या छे। सरकारी वक्तरणी भर्ती परीक्षा पद्धति में मोटा फेरफार करवामां आव्या छे। वक्तरणी भर्ती माटे द्विस्तरीय परीक्षा पद्धति लागू कराई छे। मळती माहिती अनुसार मुख्य परीक्षाना आधारे ज मेरिट लिस्ट बनशे, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बने। दर वर्षे विभागों पोतानी खाली जग्या अंगे सेक्रेटरी ने जाण करवानी रहेशे। तो आ साथे उम्मीदवारोने गुजराती के इंग्लिश में परीक्षा आपवानो विकल्प पण मळशे। भर्ती बोर्ड नियमों ने आधीन परीक्षा नुं आयोजन करवामां आवशे, जे प्रमाणे मेरिटना आधारे उम्मीदवारोनी पसंदगी करवामां आवशे। गौण सेवा पसंदगी मंडल में स्टेनोग्राफर की भर्ती मामले गुजरात हाईकोर्ट में अरजी थी थी, जे अंगे सुनावणी दरमियान हाईकोर्टे अरजदार की अरजी ने फगावी दीधी छे। उम्र और लायकात छूटछाट आपवानी अरजदार की रजूआत ने हाईकोर्टे फगावी दीधी छे। कोरोना काल में स्टेनोग्राफर की परीक्षा न योजाता उम्रना मापदंड में छूट आपवा अरजदारे रजूआत करी थी। गुजरात हाईकोर्टे आ मामले अवलोकन करता जणाव्युं के सरकार अगाउ 1 वर्ष की छूट आपी थी, जे पूरती छे। 1 वर्ष वधुनी छूट आपी शकाय तेम नथी। उल्लेखनीय छे कि अरजदारे वयमर्यादा 45 वर्ष की छूट मांगती अरजी कोर्ट में फरी थी, जेने हाईकोर्टे फगावी दीधी थी। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात विविध शहरों में आयोजित थनारा दिव्य दरबार ने लईने वधु एक विवाद सामे आव्यो छे। गुजरात हाईकोर्ट वकील के आर कोष्टीए डीजीपी और पुलिस कमिश्नरों ने पत्र लख्यो छे, तेमज आयोजकों पासेथी धीरेन्द्र शास्त्री कोई गैरबंधारणीय और विवादास्पद निवेदन आपे तेवी बायधरी लेवा मांग करी छे। वकील के आर कोष्टीए अमदावाद सूरत और राजकोट में योजनारा दिव्य दरबारों ने लई डीजीपी और पुलिस कमिश्नर ने पत्र लख्यो छे। तेमणे लख्यु छे कि कोई दरबार दरमियान कोई विवादित और वैमनस्य फैलाय तेवी संपूर्ण शक्यताओ छे। कोईपण जातनी नफरत न फैलाय अथवा कोईपण धर्मना नागरिकों ने असलामती के डरनी प्रतीति न थाय ते माटे नोटिफिकेशन समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानो पत्र में उल्लेख कर्यो छे। छोटाउदेपुर केशपुर गाम में प्रदेश भाजप प्रमुख सीआर पाटिले राम मंदिर तारीख मुद्दे कांग्रेस आड़े हाथ लीधा था। सीआर पाटिले कहू कि 2024 राम मंदिर बनी तैयार थी जैसे, कांग्रेस वालाओं ने कही दैजो कि दर्शन करवा आवी जाए। सीआर पाटिले कांग्रेस शासन में पाकिस्तान और चीन संबंधों साथ केवा केन्द्र में मोदी सरकार आया बाद भारत केव जवाब आपे कही कांग्रेस ने आड़े हाथ लीधी थी। अमरेली में भाजप नेताओं सिंह साथ सेल्फी नो वीडियो वायरल थया बाद हजु सुधी कोई कार्यवाही न कराता विपक्षे आ मामले सवाल उठाव्या छे। अमरेली बगसरा तालुका भाजप प्रमुख प्रदीप भाखड़नो सिंह साथ सेल्फी नो आ वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल थयो हतो। वीडियो वायरल थयाना 4 दिवस बाद पण पोलीसे कोई कार्यवाही न करता विपक्षे वांधो उठाव्यो छे। कांग्रेसना पूर्व धारासभ्य विरंजी ठुमरे चीमकी उच्चारी छे कि जो भाजपना नेता सामे कोई कड़क पगला नहीं लेवाय तो आगामी दिवसों में तेओ आंदोलन पर उतरशे। राजकोट महापालिका की जनरल बोर्ड में मोबाइल उपयोग वीडियो सामने आया बाद मेयर निवेदन सामने आयु तेज मोबाइल उपयोग ने लईने कड़क सूचना आपवामां आवशे केम कह्युं छे। मनपा जनरल बोर्ड में कोई मोबाइल उपयोग न करे ते माटे संकलन बैठक में खास सूचना आपवामां आवशे। जनरल बोर्ड में लोकोना प्रश्नों माटे 1 कलाक फाळवणी जरूरी छे। हूँ पण मोबाइल बहार मूकीने जाउ छू त्यारे कोर्पोरेटर पण सूचना आपवामां आवशे तेम पण मेयर प्रदीप दवे कह्युं हतुं।
दमण अने सेलवास जिला पंचायत की चूंटनी योजाई छे। बन्ने जिला पंचायत में प्रमुख अने उपप्रमुखनी 2.5 वर्षनी टर्म पूरी थता चूंटनी योजवामां आवी, जेमां दमण जिला पंचायत में प्रमुख तरीके जागृति पटेल बिनहरीफ चूंटाय तो उपप्रमुख तरीके बाबू पटेल विजय थयो छे। सेलवास जिला पंचायत में प्रमुख तरीके दामजी कुराड़ा, उपप्रमुख तरीके वंदना पटेल बिनहरीफ वरणी थई छे। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी सेनेट मेंबर तरीके चेतन सुरेजा नाम जाहिर कर महानगरपालिका खाते संकलन की बैठक मिली, जेना बाद आ निर्णय ले। चेतन सुरेजा वोर्ड नंबर 10 कोर्पोरेटर है। आपने जानी दई कि संकलन की बैठक में भाजपा जूथे सेनेट सभ्य तरीके नेहल शुक्ला नाम प्रस्ताव रखो। नेहल शुक्ल सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में सेनेट और सिंडिकेट सभ्य रही चुक्या। G20 નું ડેલિગેશન સાશણ ગીરના પ્રવાસે પહોંચ્યું હતું, અહીં ડેલિગેશનના સભ્યોનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ડેલિગેશનના સ્વાગત માટે G20ની વિશેષ રંગોળી અને સિંહની વિશેષ આકૃતિ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી। દેવળિયાના સફારી પાર્કમાં ડેલિગેશનના સભ્યોએ બસમાં બેસીને સિંહ સહિતના વન્ય પ્રાણીઓને નિહાળ્યા હતા। સાશણની હોટલમાં થોડો સમય રોકાયા બાદ ડેલિગેશન સોમનાથ મંદિર દર્શન કરવા રવાના થયું છે। अमदावाद एएमए खाते ज आईआईएम एचीवर्स एवोर्ड समारोह योजायो हतो, जेमां आईआईएम में प्रवेश मेळवनार विद्यार्थीओनुं सन्मान करायुं हतुं। विद्यार्थीओए मात्र आईआईएम अमदावाद, आईआईएम बेंगलोर अने आईआईएम कलकत्ता जेवी प्रीमियर बिजनेस स्कूलोमां ज नहीं परंतु देशभरनी अन्य जाणीती कॉलेजमां पण प्रवेश मेळव्यो छे। आ प्रवेश गुजरातमांथी केटना विद्यार्थीओ चमचमक्या छे। 100થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ આઈઆઈએમમાં જઈ રહ્યા છે। અમદાવાદ પશ્ચિમના સંસદસભ્ય ડોક્ટર કિરીટ સોલંકી, પીજીપી આઈઆઈએમ અમદાવાદના ભૂતપૂર્વ ચેરપર્સન ડોક્ટર શૈલેષ ગાંધી અને ગુગલના પ્રોડક્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ રશ્મિ રાનીએ એવોર્ડ સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા। वडोदरा महापालिकाए गंदगी करनारा शख्सो सामे लाल आंख करता त्रीजो महत्वनो निर्णय कर्यो छे। जाहेर में गंदगी करनारा थूकनारा दुकानों लारी गल्ला बहार डस्टबीन नमूनाकार सामे एक ज दिवस में 35,700 रूपियाना वधुनो दंड वसूलवामां आव्यो छे। डस्टबीन होवा छतां ग्राहकों बहार गंदगी करता होय तेवा व्यापारीओ पासेथी 500 रूपियानो दंड वसूलवामां आव्यो छे। कोर्पोरेशननी कामगीरीथी लारी गल्ला दुकान धारकोमां हवे फफराट जोवा मळ्यो छे। વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટી સત્તાધીશોએ ખુલ્લેબાજ કર્મચારીઓ માટે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે। અધ્યાપકો અને કર્મચારીઓની હાજરી પૂરવા માટે બાયોમેટ્રિક મશીન લગાવવામાં આવશે। કોમ્પ્યુટર વિભાગને 100 જેટલા મશીન ખરીદવા આદેશ અપાયો છે। તમામ ફેકલ્ટીના પ્રત્યેક વિભાગમાં એક બાયોમેટ્રિક મશીન મૂકવામાં આવશે। બાયોમેટ્રિક મશીન લાગતા ગુલ્લેબાજ કર્મચારીઓની પોલ ખુલી જશે। નવા શૈક્ષણિક સત્રથી અમલ કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી છે। अमदावाद जिला पोस्ट ऑफिस में बनेला पासपोर्ट सेवा केन्द्रों हवे दर शनिवारे खुला रहेशे। आगामी आदेश ना थाय त्यां सुधी शनिवारे जिला पोस्ट ऑफिसों में बनेला पासपोर्ट सेवा केन्द्र खुला रहेशे। विदेश मंत्रालय द्वारा अरजदारों ने पासपोर्ट माटेनी अपॉइंटमेंट झड़पी और सरळताथी मळी रहे ते माटे हवे निर्णय लेवामां आव्यो छे। बनासकांठामां डुप्लिकेट तेमज भेळसेळयुक्त खातर बियारणनुं वेचाण अटकाववामां कृषि विभाग एक्शनमां आव्यो छे अने जिल्लामां आवेली खातर बियारण दुकानों पर तपास हाथ धरी छे, जेमां 6,600 किलो बियारण अने 25 लीटर जंतुनाशक दवानो जत्थो सीज करी देवा आवशे। 307 डीलरोने त्यां तपास करी बियारण अने जंतुनाशक दवानो 59 सेम्पल परीक्षण अर्थे मोकलवामां आव्यो छे। राजकोट महानगरपालिका जनरल बोर्ड में खाली प्लॉट और आजी नदी में कचरो नाखवानो मामलो गरमायो हतो। राजकोट शहर अनेक खाली प्लॉट और आजी नदी पट में मकानों वेस्ट सहित उद्योगों द्वारा पण कचरो ठालवामां आवे छे। राजकोट शहर मोटा भागना प्लॉट में मकान पाड़ी वेस्ट नाखवामां आवे छे। शासक पक्षना कोर्पोरेटर नरेन्द्र दवे जनरल बोर्ड में रजूआत करी हती। शासक पक्षना नेता विनू दावाए कचराना कायमी निकाल माटे मांग करी हती। आरटीओना अधिकारी 9 महीना सुधी वाहन डिटेन करे तेवी रजूआत करवामां आवी छे। हिम्मतनगर में वधती गर्मी ने लईने पाणी की जरूरियात में वधारो नोंधायो छे। हिम्मतनगर शहर में दैनिक 1.40 करोड़ लीटर पाणी नो वपराश वधीने 1.60 करोड़ लीटर ऊपर पहुंच्यो छे। गर्मी वधता 20 लाख लीटर पाणी की जरूरियात वधी छे। हिम्मतनगर पालिका द्वारा पालिकाना 60 करता वधु बोरवेल की मदद थी सम्प अने ओवरहेड टांकीओ भरीने दररोज 1 कलाक करता वधु समय पाणी छोड़वामां आवे छे। पाणीनी जरूरियात वधशे तो पण पालिका द्वारा पाणी पूरू पाडवा माटेनी तमाम तैयारीओ करी देवाई छे। हिम्मतनगर शहर नजीक आवेला गुहाई जळाशयमांथी दैनिक 50 लीटर पाणी લેવામાં આવે છે।
સૌરાષ્ટ્રની જીવાદોરી સમાન ભાદર એક ડેમનું પાણી પિયત માટે છોડવામાં આવ્યું છે. આ વખતે ઉનાળાની સિઝનમાં 4200 હેક્ટર જમીનમાં સિંચાઈ માટે પાણી છોડવાની ખેડૂતોએ માંગણી કરી હતી, જેને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે ભાદર એક ડેમનું પાણીનો જથ્થો અનામત રાખ્યો છે. ભાદર એક ડેમમાંથી પાણી છોડાતા સૌરાષ્ટ્રના 65 ગામડાઓમાં 2.5 લાખથી વધુ લોકોને પીવાનું પાણી મળી રહેશે, તો જેતપુર, ધોરાજી અને જૂનાગઢમાં 45 ગામના ખેડૂતોને પિયત માટેનું પાણી મળી રહેશે. સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના ઉવા ગામે ડાંગરના ખેતરમાંથી મહાકાય અજગર પકડાયો હતો. બારડોલીની એનિમલ ટીમે 6 ફૂટ લાંબા અજગરને ખેતરમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો. મહાકાય અજગરના આગમનથી લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. શેતપુરમાં પાણીની પાઇપલાઇનમાંથી મળેલા અવશેષો મહિલાના જ હોવાની આશંકા પ્રબળ થઈ છે. જે મહિલા ગુમ હતી તેના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં જોઈ શકાય છે કે માથે દુપટ્ટો બાંધીને મહિલા જે સ્થળે અવશેષો મળ્યા હતા તે દિશા તરફ જઈ રહી છે, તો બીજી તરફ સીસીટીવીમાં લારી લઈને આવતો એક શંકાસ્પદ શખ્સ પણ નજરે પડ્યો છે. બંને સીસીટીવીના આધારે પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. પીવાના પાણીની લાઇનમાં મૃતદેહના વધુ અવશેષો ફસાયા હોવાની આશંકાને પગલે તંત્રએ રોબોટિક કેમેરાની મદદથી તપાસ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. સુરતના વ્યાસુ વિસ્તારમાં કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પરથી સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચરનારા આરોપીને પોલીસે ઝડપી લીધો છે. શ્રમજીવી પરિવારની સગીરાનું અપહરણ કરી આરોપીએ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. બાંધકામ સાઇટ પર કામ કરતા યુવકે સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવ્યો હતો. સગીરાને લગ્ન કરવાની લાલચ આપી તેના સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. વેસુ પોલીસે આ મામલે પુણેથી મોહમ્મદ રઝાઉલ્લા નામના આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આરોપી વિરુદ્ધ પોક્સો અને અપહરણનો ગુનો નોંધીને પોલીસે તેને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે. જૂનાગઢ મેદરા રોડ ઉપર ટ્રક અને કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં ઘટનાસ્થળે જ 2 લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે અન્ય કેટલાક લોકો ઇજાગ્રસ્ત થતા સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સુરતના જોડવા ગામમાં દુકાનદાર પર છરી વડે હુમલો થયો હતો. આ મામલે મહિલા સહિત 6 આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. સાંઈબાબા મિલની સામે બંસી પાર્કમાં થોડા દિવસો પહેલા બબાલ થઈ હતી. ફ્લેટ નંબર 207માં રહેતા સુરેન્દ્રસિંહ અને બિટ્ટુસિંહ વચ્ચે નવો ધંધો શરૂ કરવા બાબતે મગજમારી થઈ હતી, જેમાં બિટ્ટુસિંહે સેટલમેન્ટ માટે પૂનમ પાંડેને બોલાવીને સાગરીતો સાથે સુરેન્દ્રસિંહ પર હુમલો કર્યો હતો. વેપારી પર છરી વડે હુમલો કરનારી મહિલા આરોપી સહિત કુલ 6 લોકોને ઝડપીને પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સુરતના ખાટોદરા વિસ્તારમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો છે. થોડા દિવસો પહેલા ખાટોદરામાં રિક્ષા બેસેલા મુસાફરી નજર ચૂકવીને 40,000ની ચોરી કરી આરોપી ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસે આ મામલે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે મુમન સોર્સીસના આધારે 2 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. આરોપીઓ અન્ય ગુનાને અંજામ આપવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પોલીસે વોચ ગોઠવીને ઝડપી લીધા. આરોપીઓ પાસેથી 40,000 રૂપિયા રોકડા, મોબાઈલ સહિત કુલ 1,60,000 મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. ભાયાવદરથી એક વિડીયો સામે આવ્યો છે. આ વિડીયોમાં 5 થી 7 જેટલા શખ્સો યુવા ભાજપના પ્રમુખને માર મારતા દેખાય છે. યુવા ભાજપ પ્રમુખ હર્ષદ રામાણીએ એસી ખરીદવા માટે લોન લીધી હતી. લોનનો હપ્તો ન ભરાતા ફાઇનાન્સ કંપની માણસોએ યુવા ભાજપ પ્રમુખ સાથે દાદાગીરી કરી તેમને માર માર્યો હતો. હુમલામાં ઇજા પહોંચતા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા, તો પોલીસે આ મામલે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે. કણભા ટ્રાફિક હ્યુમન્સ કેસને લઈને ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. કણભામાં સગીરાને ખરીદનાર એજન્ટ અશોક સહિત 4 આરોપીઓને પોલીસે ધરપકડ કરી છે. એજન્ટ અશોકે સગીરાનું અપહરણ કરીને પાલનપુરના એજન્ટને વેચી દીધો હતો. ઝડપાયેલા આરોપીઓમાંથી ચહેર અને અમૃતે અત્યાર સુધી 8 છોકરીઓ વેચી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ગુજરાતી સગીરાઓનું અપહરણ કરીને આરોપીઓ તેને રાજસ્થાન વેચી નાખતા હતા. આરોપીએ અગાઉ 1 છોકરી વેચી હતી, જેને પોલીસે મુક્ત કરાવીને પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું હતું, તો 6 મહિના પહેલા આરોપીઓએ અસારવા ખાતે રહેતી સગીરાનું અપહરણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ આ છોકરીને સુરેન્દ્રનગર વેચી નાખી હતી. સુરતમાં વધુ એક મહિલાનું હાર્ટ એટેકથી શંકાસ્પદ મોત નિપજ્યું છે. સુરતના ડિંડોલીના નવા ગામ ખાતે 3 મહિનાનું ગર્ભ ધરાવતી 36 વર્ષની મહિલાને આજે સવારે વોશરૂમ ગયા બાદ ગભરામણ થઈ અને તેની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી, જોકે ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કરી, જેથી પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થયું છે. મોતનું સચોટ કારણ જાણવા માટે મહિલાનો મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે. સુરતમાં બોગસ ડોક્યુમેન્ટ અને પેઢીના આધારે જીએસટી નંબર મેળવી કરોડોની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવતા આરોપી આદિલ બાજુબરે પૂછપરછમાં નવો ખુલાસો કર્યો છે. જીએસટી કૌભાંડી આદિલ અન્ય વ્યક્તિના ડોક્યુમેન્ટ 10,000 રૂપિયામાં મેળવી નકલી પેઢીનું રજીસ્ટ્રેશન કરતો હતો, તેમજ અન્ય દસ્તાવેજ પર પેઢી બનાવી 75,000માં વેચી નાખતો હતો. તેણે વિદેશમાં નોકરી અપાવવા કહીને સામાન્ય લોકોને પણ ફસાવ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
आरोपी विद डभोईना सिल्वर स्टोन रहता बाबूभाई पटेले फरियाद नोधावी छे। तेमणे बिल्डर ने मोटा वराछा बे मॉलना मालिक तरीके दर्शाव्या हता। तेना आधारे 20 व्यक्तिओ भांडा करार बनावी 21 बोगस पेढ़ीओ बनावामां आवी हती। सूरतना मोरा भागड़ विस्तार में हड़कवाना कारण 18 वर्षीय युवती नु मौत थयुं छे। युवती ने 6 महीना पहला ज जमणा पगे स्वाने बटकू भर्यु हतुं। ते समय तेना पगमांथी लोही निकळ्युं हतुं। तेणीए तबीबी सारवार माटे इंजेक्शन पण लीधा हता, परंतु स्वाने बटकू भर्याना 6 महीना बाद युवती में हड़कवाना लक्षणो जोवा मळ्या हता। युवतीना मोढामांथी अचानक फीण निकळवा मंड्युं तो श्वास चढ़वा लाग्यो अने अजवाड़ो जोईने गभराई जवा जेवा हड़कवाना लक्षणो देखाया हता। सूरतना हजीरा विस्तार में नंदनिकेतन टाउनशीप में बे सगी बहनों डूबी जवाथी मौत निपजा छे। बने बाड़ाओ तड़ाव में कई रीते पहुंची तेनु हजु सुधी कारण अकबंध छे। बने बाड़ाओ ने नवे सिविल होस्पिटल में पीएम अर्थे खसेड़ी हजीरा पुलिस तपास हाथ धरी हती। जो कि बने बाड़ाओना मौत थता परिवार में शोकमय माहौल बन्यो छे। भावनगरनी मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी साथे रेगिंग जो बनाव बन्यो होवानो आक्षेप लाग्यो छे। भावनगरना मेडिकल कॉलेजना अंडर ग्रेज्युएटना विद्यार्थी साथे पोस्ट ग्रेज्युएटना विद्यार्थीओ सृष्टि विरुद्धनो कृत्य कर्यानो आक्षेप लाग्यो छे। आ मामले मेडिकल कॉलेजना विद्यार्थीओ पुलिस फरियाद दाखल करवा माटे नीलमबाग पुलिस स्टेशन पहोंच्या हता। जो कि फरियाद नोंधावा आवेला विद्यार्थीओ साथे पुलिसे खराब वर्तन कर्यु होवानो आक्षेप थयो छे। भावनगरना नारी चौकड़ी पास इको कार में आग लगता एक व्यक्ति बड़ी जवाती मौत थयुं छे। नारी चौकड़ी पास मुमाई माजीना मंदिर पास कार में आग लागी हती, जेथी कार में रहेल व्यक्ति बड़ी ने भड़तू थई गयो हतो। सावरकुंडलाना पूर्व धारासभ्य अने राज्यकक्षाना पूर्व कृषि प्रधान वीवी वघासियानुं मार्ग अकस्मातमां मौत बाद तेमनी अंतिम यात्रा निकळी। जेमां विधानसभा नायब दंडक कौशिक वेकरिया, धारासभ्य जीवी काकड़िया, पूर्व कांग्रेस धारासभ्य प्रताप दुधात, पूर्व धारासभ्य काड़ो विरणी, पूर्व धारासभ्य नलीन कोटड़िया, डॉक्टर भरत कानाबार सहित अनेक राजकीय लोको अंतिम यात्रामां सामेल थया हता। शनिदेव जयंती धार्मिक वातावरण वच्चे उजवाई रही है, त्यारे वडोदरा में शनिदेव जयंती ठेर ठेर उजवणी थई। वाड़ी में आवेला पौराणिक शनिदेव मंदिरे श्रद्धापूर्वक उजवणी करवामां आवी। शनिदेव जयंती की उजवणी ने लईने भक्तों में अनेरो उत्साह साथे शनिदेव ने मंदिरे पहोंच्या हता। हाथला खाते वहली सवार भक्तों जमावड़ो जोवा मळ्यो। भाणवडथी 30 किलोमीटर दूर हाथला गाम में आवेला भगवान शनिदेव मंदिर में मोटी संख्या में भक्तों पूजा अर्चना करी। शनिदेव की जन्म जयंती निमित्ते हाथला गाम में विशेष पूजा सहित विविध कार्यक्रमों आयोजन करवामां आव्युं हतुं। अमदावाद में ब्लाइंड व्यक्तियों की चेस टूर्नामेंट आयोजन करवामां आव्युं। 3 दिवस चालनारी चेस टूर्नामेंट में 215 खिलाड़ियों भाग लीधो। सारू परफॉर्मेंस करनार खिलाड़ियों सिलेक्शन स्टेट लेवल टूर्नामेंट में करवामां आवशे। जैन आचार्य श्री प्रसन्न कीर्ति सागर सुरेशेश्वर अरजी महाराज साहेब की दीक्षातिथि निमित्ते उजवणी करवामां आवी हती। चेसना खिलाड़ियों ने उत्साह वधारवा बेग वितरण करवामां आव्या हता। प्रसन्न कीर्ति सागर सूरी महाराज शिष्य सत्तावधानी मुनि भव्य कीर्ति सागर महाराज साहेब हस्ते वेग वितरण करवामां आवी हती। केन्द्रीय प्रधान किरण रिजुए अर्थ और सांस विभाग पदभार संभाली लीधो। अगाउ कायदा प्रधान बनावामां आव्या हता। गईकाले तेमनी पासेथी कायदा प्रधान पद छीनवी लईने तेमने अर्थ और सांस विभाग सौंपवामां आव्यो। तेओ पदभार संभाळ्या बाद कह्युं के पीएम मोदीनी भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा जेवुं सपन छे, तो जोता मने देखाय छे के आ मंत्रालयनुं मोटुं योगदान छे। हुं पीएम मोदीनो आभारी छुं के मने अलग अलग मंत्रालयमां काम करवानो मौको आप्यो। सुप्रीमना नवनियुक्त बे जज आज शपथ ग्रहण करते। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार और वरिष्ठ वकील विश्वनाथ आज सुप्रीम कोर्ट जज तरीके शपथ लेशे। शपथ ग्रहण समारोह लाइव स्ट्रीमिंग थशे। आपणे जणावी दईए कि ऑगस्ट 2030 में केवी विश्वनाथ देश मुख्य न्यायाधीश बनशे और 9 महीनाथी वधारे एटले कि 24 मे 2031 सुधी सुप्रीम कोर्ट नेतृत्व संभाळशे। बार एसोसिएशन सीधा सीजेआई बननारा चौथा जज छे। तो केवे विश्वनाथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सभ्य पण छे। कायदा विधि और न्यायशास्त्र में व्यापक अनुभव और ऊंडू ज्ञान धरावे छे। बाबा बागेश्वर देवेन्द्र शास्त्री 5 दिवस बिहार प्रवास बाद परत फर्या छे, परंतु पटना एरपोर्ट थी रवाना थवाना हता। त्यां रनवे भक्तों जमावड़ो नजारो सामे आव्या बाद राजकारण गरमायुं छे। आ मामले महागठबंधन ने बाबा ना समर्थन में उतरी भाजपे आड़े हाथ लेवानुं शुरू कर्युं छे। बाबा बागेश्वर गुरुवारे सांजे पटना थी निकळ्या त्यारे एरपोर्ट पर भक्तों मोटो जमावड़ो जोवा मळ्यो हतो।
राजस्थान जैसलमेर में आश्रय लई रहेला पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों केटला घर गैरकायदेसर अतिक्रमण होवाथी स्थानिक वहीवटतंत्र द्वारा तोड़ी पाड़वामां आव्या हता। त्यारबाद असरग्रस्त लोग द्वारा कलेक्टर कचेरी बहार विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं। जैसलमेर कलेक्टर टीना दाभीना आदेश पर आ कार्यवाही करवामां आवी हती। तो आ मुद्दे बातचीत करता राजस्थान मंत्री प्रताप खाचरीवासे जणाव्युं छे कि अधिकारीओए खोटू कर्युं छे, तेमणे जवाब आपवो पड़शे, अमे आ मामला में कार्यवाही करीशुं। इटलीना उत्तर में आवेला एमिलिया रोमांगा प्रांत में भारे वरसाद संबंधित घटनाओं कारण कुल 9 लोगों ना मौत थया छे। चालू सप्ताह दरमियान इटलीना रोमांगा प्रांत में मुसळधार वरसाद कारण 300 वधु वखत भूस्खलन बनाव बन्या छे। तो आ साथे ज 23 नदियों में पूरनी स्थिति छे। 400 वधु मार्गो क्षतिग्रस्त थया छे। कोल्ड रेती एग्रीकल्चर एसोसिएशन तरफ थी जाणवा मळ्युं छे के फूटवेली तरीके ओळखाता विस्तार में 5000 थी वधु खेतर पाणी में गरकाव थया छे। भारे वरसाद कारण लगभग 1 बिलियन यूरोपनुं नुकसान थयुं छे। वडाप्रधान मोदीए गुरुवारे दिल्लीना प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपोनु उद्घाटन कर्यु हतु। आ एक्सपोनु आयोजन 47मा इंटरनेशनल म्यूजियम डे की उजवणी माटे तेमज आजादी का अमृत महोत्सव में भागरूपी करवामां आव्यु छे। तो आ वर्षे आईएमडी थी थीम म्यूजियम वेब बींग छे। म्यूजियम एक्सपोनु म्यूजियम प्रोफेशनल साथे म्यूजियमों पर सर्वग्राही वार्तालाप शुरू करवा माटे डिजाइन करवामां आव्यु छे, जेथी तेओ भारतना सांस्कृतिक केन्द्र तरीके विकास करी शके।